बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की। आज मां दंतेश्वरी की इस पावन भूमि में महतारी बंदन योजना का छठवां किस्त जारी करने का यह शुभ अवसर और एक पेड़ मां के नाम ऐसा कार्यक्रम यहां पर संपन्न किए, ऐसे अवसर में आज के कार्यक्रम में मंच में विराजमान हमारे बस्तर के सपूत, छत्तीसगढ़ सरकार में वन जल संसाधन सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप जी, छत्तीसगढ़ सरकार में महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, आपके इस विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और हम लोगों की पार्टी के मुखिया प्रदेश के अध्यक्ष माननीय किरण देव जी, हमारे चित्रकूट के विधायक आदरणीय श्री विनायक गोयल जी, महापौर श्रीमती सफीरा साहू जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष हम लोगों की भाभी श्री वेदमती कश्यप जी, पूर्व सांसद हमारे मित्र श्री दिनेश कश्यप जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री निवास राव मद्दी जी, जिला के अध्यक्ष श्री रूप सिंह मंडावी जी, डॉक्टर सुभाव कश्यप जी, हमारे कोंडा गांव के जिलाध्यक्ष दीपेश अरोरा जी, कमिश्नर आईजी, जिले के कलेक्टर एसपी, वन विभाग के सीसीएफ डीएफओ, सभी अधिकारी कर्मचारीगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ जन और आज के इस महिला सम्मेलन में उपस्थित मातृशक्ति हमारी सभी माताएं बहनें और मीडिया के साथीगण, आज मेरा सौभाग्य है कि महतारी बंदन योजना का किस्त हम लोग रायपुर से जारी करते थे, पांच किस्त रायपुर से जारी किए, एक किस्त जरूर बनारस से हुआ था, आप लोगों को मालूम है ना, पहला किस्त 10 मार्च को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उस दिन अपने संसदीय क्षेत्र में थे बनारस में, और हम लोगों के निवेदन पर वहां से बटन दबा के जारी किए थे, और चार किस्त रायपुर से जारी किए थे, और आज ये छठवां किस्त आप लोगों के बीच मां दंतेश्वरी की पावन भूमि से आज जारी कर रहे हैं। तो ऐसे अवसर में मैं पूरे प्रदेश की 70 लाख से ज्यादा मातृशक्ति माता बहनों को बहुत बहुत उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। एक बटन दबाकर सबके बैंक के खाते में एक एक हजार रुपया भेजने का काम किए हैं। आप सब लोग चेक कर लिए हैं कि नहीं अपना मोबाइल, कि हम लोग पूछे तो ऐसे ही हाथ उठा दिए, चेक कर लिए है ना, आ गया है ना। तो ये जो पैसा दे रहे हैं 1000 रुपया, इसे कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फायदा हम समझते हैं, कहे कि हम भी गांव के रहने वाले हैं तो गांव की और गरीबी क्या होती हम भी जानते हैं, हम समझते हैं कि 1000 रुपया महीना ये काफी सहयोग हो जाता होगा, होता है ना। तो बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं, हम लोग
महतारी बंधन योजना का पैसा भेजते रहेंगे। और आज जगदलपुर के लिए एक साथ कई सौगात भी यहां पर दिए हैं। एक तो यहीं से 70 लाख से ज्यादा माता बहनों के खाते में महतारी बंधन योजना का राशि हस्तांतरित किए हैं। उसी तरह से यहां पर एसडीएम कार्यालय वो किराए के भवन में चल रहा था, तो एसडीएम कार्यालय जो नया बन के तैयार हुआ है उसका भी लोकार्पण किए हैं और 3 एसडीएम कार्यालय का किए हैं और 2 एसडीएम कार्यालय का किए हैं जगदलपुर के साथ साथ, और 2 जगह पोकापाल और लोहंडीगुड़ा वहां भी एसडीएम कार्यालय नया बन के तैयार है, उसका लोकार्पण किए हैं और 2 थाना भवन का भी लोकार्पण किए हैं और यहां का तहसील कार्यालय उसका भी जीर्णोद्धार हुआ है, उसका भी लोकार्पण किए हैं। और यहां जो महारानी अस्पताल में जो अन्नपूर्णा रसोई घर है उसका भी जीर्णोद्धार करीब 2.25 करोड़ रुपया से हुआ है, 2.25 करोड़ रुपया से। और हमको बता रहे थे कलेक्टर की प्रदेश में और कहीं किसी जिला अस्पताल में इस तरह का रसोई घर नहीं है जैसा कि आपके ये जगदलपुर में है। तो अब करीब 250 लोगों का खाना वहां बिल्कुल साफ सुथरा बनेगा, जो इलाज कराने आएंगे उनके परिजन वो सबके लिए वहां पर एक बार में 250 लोगों का खाना बनेगा, तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। एक जेनेरिक दवाई दुकान का भी लोकार्पण किए हैं हमारे एसओसी प्रधानमंत्री जी, एक गरीब परिवार के हैं और मेरा सौभाग्य था कि पहले 5 साल उनके साथ राज्यमंत्री के रूप में हमने काम किया, तो वो पहला 5 साल का जो सरकार था उसको गरीबों के लिए समर्पित कर दिया था कि मेरी ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित रहेगी। और आप लोग देखे भी कि पहले 5 साल उन्होंने गरीबों के लिए ही काम किया, स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय निर्माण का काम, सबको पक्का का घर देने का काम, माता बहनों को गैस का सिलेंडर देने का काम, जनधन खाता खोलने का काम, ये सब काम गरीबों का था ना। गरीबों के पास बैंक का खाता नहीं होता था, बाकी अमीरों के पास तो सबके पास होता था, लेकिन ये बैंक का खाता भी खोलने का काम जनधन खाता में प्रधानमंत्री जी ने ही किया। तो उसी तरह से गरीबों की चिंता वो पहले 5 साल में वो किए। तो जेनेरिक दवा, मैं आप लोगों को ये संदेह होता होगा किसी को कि ये सस्ता दवा है तो इसका असर कम होता होगा, ऐसा नहीं है, बराबर असर है। और हम सब लोग दुकान में खड़े थे फीता काटने के बाद और कई दवाई को देख रहे थे, 6-6 गुना दाम का फर्क है, 6-6 गुना। अगर किसी का मार्केट में जो और दवाई है 125 रुपये का है तो वो 24 रुपये में जेनेरिक दवाई के दुकान में मिल रहा है। तो आप लोग बिल्कुल ये मत समझिए कि ये दवाई सस्ती है तो इसका असर कम होगा, बिल्कुल बराबर असर है। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, पूरे देश में 1000 जेनेरिक दवाई दुकान खोलकर। तो ये आपके आज बस्तर में इसकी भी व्यवस्था हुई है, उसका भी दुकान का हम लोग लोकार्पण किए हैं। तो एक साथ ये सब सौगात आज जगदलपुर को मिला है और हमारे पूर्व वक्ता लोग सभी बात बोल चुके हैं। अभी आप लोगों के आशीर्वाद से हम लोगों की सरकार को मुश्किल से 7 महीना हुआ है, लेकिन 7 महीना में ही जो मोदी की गारंटी में हम लोगों का वादा था छत्तीसगढ़ की जनता से, उसको काफी पूरा करने का प्रयास किए हैं। प्रधानमंत्री आवास पिछले 5 साल में 18 लाख लोग वंचित हो गए थे और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था
नरेंद्र मोदी जी ने कि यहां भाजपा की सरकार बनेगी तो जो भी मुख्यमंत्री होगा वो पहला काम करेगा 18 लाख मकान की स्वीकृति देने का। और 13 दिसंबर 2023 को हम लोग शपथ लिए और 14 दिसंबर को ही कैबिनेट बुलाकर 18 लाख मकान की स्वीकृति दे दिए। और जो राज्यांश होता है वो पैसा का भी व्यवस्था उसी समय हम लोग कर दिए, लेकिन देरी इसलिए हो रही है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर होता है और जो 23-24 का जो पैसा था, छत्तीसगढ़ का जो प्रधानमंत्री आवास का जो हिस्सा था, अब यहां की सरकार उसको ली नहीं। आप सबको मालूम है कि बार बार वहां से हमारे मंत्री चिट्ठी लिखते रहे यहां की सरकार को कि भाई ये गरीबों का पक्का का मकान का प्रधानमंत्री आवास का पैसा है, इसको ले जाओ। भेजे भी, लेकिन जो राज्यांश होता है यहां की सरकार जमा नहीं की और इसलिए 18 लाख लोग वंचित हो गए। तो हम लोग तो व्यवस्था कर ही दिए शुरू में ही, लेकिन अब वो पैसा मिलने वाला है। अभी हम गए थे तो शिवराज सिंह चौहान से मिल के आए हैं, जिनके पास पंचायत मंत्रालय है कृषि के साथ साथ में, उनसे बात हुई है और प्रधानमंत्री जी को भी हमने अवगत कराया है और सबने आश्वस्त किया है कि जो 5 साल हमारे गरीब लोग वंचित हुए हैं प्रधानमंत्री आवास से, उसकी पूरी पूरी भरपाई होगी। तो ये काम हम लोग किए। अब 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे, 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत दिए और एक मुश्त धान का कीमत दिए ना, 13320 करोड़ रुपया एक मुश्त दिए, जबकि पहले की सरकार 4 किस्त में साल भर में उसको देती थी, उसको भी कई बार काट देती थी। तो ये सब तेंदुपत्ता, यहां पर हमारे वन मंत्री हैं, हम लोग का वादा था कि 5,500 प्रति मानक बोरा करेंगे, तो उसको भी एक बड़ा कार्यक्रम कोंडागांव में आदरणीय केदार कश्यप जी जंगल जत्रा भी उस दिन था और उस दिन घोषणा किए और इस साल 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा के हिसाब से तेंदुपत्ता भी घर खरीदे और पूरा खरीदे। ऐसा नहीं कि पहले की सरकार जैसे 2 दिन खरीदे, ऐसा नहीं, पूरा पत्ती भी खरीदे। अब बोनस भी देंगे, जो लाभ होगा तेंदुपत्ता में उसको सरकार रखेगी नहीं, वापस संग्राहकों को हम लोग बोनस के रूप में देंगे। चरण पादुका योजना भी शुरू कर रहे हैं, अभी इस साल थोड़ा जल्दी जल्दी हो गया, चुनाव उनाव आ गया तो नहीं दे पाए, लेकिन अब देंगे और सीजन आ गया तेंदुपत्ता का, लेकिन हम लोग बजट में चरण पादुका योजना का भी व्यवस्था किए हैं। हमारे जो तेंदुपत्ता संग्राहक हैं उनको चरण पादुका भी देंगे और भी कई काम करते जा रहे हैं। आपका रामलला दर्शन योजना की बात केदार जी बोले हैं, हम लोगों का सौभाग्य है कि ये छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की धरती है, भगवान राम हम लोगों के भांचा हैं और 14 साल के वनवास काल में सबसे ज्यादा 10 साल तक छत्तीसगढ़ में उनका समय बीता। आज सबरी माता का आश्रम भी यहां है जहां जिनका जूठा बेर भगवान राम खाए थे। अभी हम सब लोग दर्शन करके आए हैं, पूरा मंत्रिमंडल गया था भगवान राम जी का दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेके आए हैं कि उनका आशीर्वाद हमेशा छत्तीसगढ़ में बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ में सुख समृद्धि हो, छत्तीसगढ़ वासियों का सबका जीवन मंगलमय हो, ऐसा आशीर्वाद लेके हम लोग आए हैं। और रामलला दर्शन योजना सतत जारी है, 850 लोग एक बार ट्रेन में जाते हैं, एक आध बार गया होगा यहां से जगदलपुर से, 2 बार चला गया, हाँ हाँ, तो ये लगातार चलते रहेगा। और जहां हम लोगों का सरगुजा है, सरगुजा नजदीक है वहां अयोध्या से, तो वहां से बस में भी भेज रहे हैं। तो इस तरह से रामलला दर्शन योजना वो भी चालू है, तो ये सब काम जल्दी जल्दी कर रहे हैं और आगे भी जो बाकी मोदी की गारंटी योजना है उसको करेंगे। नई शिक्षा नीति लागू कर दिए हैं, नई शिक्षा नीति 2020 लागू की है, इससे फायदा ये होगा कि अब शिक्षा के साथ साथ रोजगार भी उस पर भी जोर दिया जाएगा। अब जो नया शिक्षा नीति में
डिग्री मिलेगी तो डिग्री खाली नहीं रहेगा, है कि नहीं? डिग्री लेके सबको तो सरकारी नौकरी दे पाना संभव नहीं है कि है? कोई भी सरकार आएगी तो मतलब सबको सरकारी नौकरी दे पाना संभव नहीं है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच की ऐसी शिक्षा नीति मतलब चालू करो जिसमें मतलब डिग्री के साथ साथ रोजगार की भी व्यवस्था हो। तो हम लोग नई शिक्षा नीति लागू किए हैं जिसमें रोजगार पर भी ध्यान दिया जाएगा, और विशेषकर जो ट्राइबल क्षेत्र हैं, हमारा बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग, ऐसे क्षेत्र में जो स्कूल हैं उसको एक पीएमश्री योजना है प्रधानमंत्री जी का शिक्षा के क्षेत्र में, और 211 स्कूल हमारा छत्तीसगढ़ का पीएमश्री मतलब स्कूल में शामिल हुआ है, और एक पीएमश्री स्कूल में जो आ गया वो स्कूल, तो वहां के लिए भारत शासन से सीधे 2 करोड़ रुपया मिलेगा। और ये 2 करोड़ रुपया खाली मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं रहेगा, खाली भवन के लिए नहीं रहेगा, लेकिन वहां पर अच्छा स्कूली वातावरण बने, अच्छे वहां पर शिक्षक आए, हर दृष्टिकोण से मतलब वो अच्छा रहे जैसे प्राइवेट स्कूल रहते हैं। तो ये पीएमश्री योजना का उद्देश्य है। अभी 211 स्कूल शामिल है और आगे और भी शामिल होता रहेगा। तो ये पीएमश्री योजना में है, और ट्राइबल क्षेत्र में भी वहां के विकास के लिए प्रधानमंत्री जी ने विशेष ध्यान दिया है। पीएम जनमन योजना, हमारे छत्तीसगढ़ में 5 जाति जो विशेष पिछड़े अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जिनको राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है, जिसमें आपके पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, बैगा, अबुझमाड़िया, आपके बस्तर में अबुझमाड़िया भारी संख्या में है, तो वो भी पीबीटीजी में है, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं। और ऐसे 5 जाति के यहां छत्तीसगढ़ में है, और पूरे देश में सैकड़ों जाति है। तो ऐसे लोगों का उत्थान जो बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, इसके लिए पीएम जनमन योजना प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, उसके लिए अलग से बजट की व्यवस्था है, और वहां पर सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम बहुत त्वरित गति से हो रहा है। वहां सड़क, बिजली, पानी, हर तरह से उनका विकास हो, उनका राशन कार्ड बने, उनका आधार कार्ड बने, आयुष्मान कार्ड बने, ये सब व्यवस्था मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी की चिंता सब पर है, संतुलित विकास हो, कोई पीछे ना रह जाए, ये हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। अब सरस्वती साइकिल योजना भी शुरू करेंगे हमारी बहनों के लिए, ताकि स्कूल की दूरी कम हो जाए, तो सरस्वती साइकिल योजना ये भी हम लोग चालू करेंगे। और जो श्रमिक परिवार के बच्चे हैं, जो टैलेंटेड हैं, ऐसे 10वीं 12वीं बोर्ड में जो अव्वल आए, उनको 2-2 लाख अभी उनको पुरस्कृत किए हैं, 2-2 लाख, 1 लाख उनका आगे शिक्षा में लगे, और 1 लाख उनको स्कूटी खरीदने के लिए दिए हैं। तो ये सब भी हम लोग कर रहे हैं। अभी हम पिछले समय दिल्ली गए थे, तो कई मंत्रियों से मिले, तो रेल मंत्री से भी मिले थे, तो आपका ये जगदलपुर रावघाट बहुत पुराना मतलब मांग है, इस पर भी बड़ी सार्थक हमारी चर्चा हुई है, आगे ये भी पूरा होगा आपका जगदलपुर रावघाट रेल मार्ग। और भी इसके साथ साथ और कई परियोजनाएं छत्तीसगढ़ में आ रही हैं, करीब 1000 किलोमीटर नया रेल लाइन यहां पर बनेगा, और कई जो सिंगल हैं और लाइन है उसको डबल भी किया जाएगा। ये सब बहुत पैसा आदरणीय मोदी जी और हमारे रेल मंत्री दे रहे हैं, हमारी बड़ी सार्थक चर्चा हुई है। आपका ये जो एकमात्र हाईवे है रायपुर से ये जगदलपुर वाला, इसमें कई जगह रोड चौड़ा नहीं है, तो सब चौड़ा होने वाला है, सब शामिल है, वो सब चौड़ा होगा, उसके लिए पैसा मिल रहा है। केशकाल घाटी में आपका वो सीधा वो ब्रिज बन रहा है, ओवर ब्रिज बन रहा है, काम भी उसमें चालू हुआ है, बीच में रुक गया था, तो सबके लिए पैसा फिर हम मांग के आए हैं, वो सबके लिए होगा। और एक इधर बस्तर क्षेत्र के लिए रायपुर से सीधा एक ही हाईवे है, तो हमने मांग किया है एक कवर्धा से सीधा सुकमा, कवर्धा से सीधा सुकमा, इसका भी हमने मांग किया है, और हम मतलब पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि वो भी हाईवे हम लोगों को मिलेगा। तो एक दूसरा बस्तर क्षेत्र को
जोड़ने के लिए रास्ता होगा। तो ये सब आप लोगों के आशीर्वाद से हमारी सरकार काम कर रही है। और वन भूमि का पट्टा, उसकी भी बात हमारे पूर्व वक्ता सैयद केदार जी बता रहे थे, अभी कैबिनेट में पास किए हैं, वन भूमि का पट्टा देते रहे हैं और देंगे भी, लेकिन इसमें फोती नहीं करता था, फोती नहीं करता था तो उत्तराधिकारी लोगों का नाम भी नहीं चढ़ता था, उसका बटांकन भी नहीं होता था, तो उसमें कई तरह के लोन वगैरह की व्यवस्था भी नहीं होती थी उस पट्टा से। लेकिन अभी हम लोग सरकार में कैबिनेट में पास कर दिए हैं कि ऐसे मतलब वन पट्टेदार का जिनका निधन हो गया है तो फोती कटेगा, जैसे राजस्व ऋण पुस्तिका में जो होता है ना, वैसे ही उनका भी फोती कटेगा, उनके बच्चों का उसमें नाम आएगा और उसका बटांकन भी होगा। और अब उसके कारण से ये सब होने से उनको लोन ओन भी उस खाता में मिल जाएगा, तो इसकी भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। तो और बस्तर और सरगुजा, ये दोनों ट्राइबल बाहुल क्षेत्र है, इस पर विशेष सरकार की व्यवस्था है और बजट में भी इसके लिए हम लोग अलग से फोकस किए हुए हैं। तो आप सब लोगों को किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग सब इसके लिए चिंता करेंगे, हमारे मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण सब लोग चिंता करेंगे। एक महतारी बंधन नहीं, महतारी सदन की बात हुई, आपके विधायक यहां घोषणा भी किए, तो महतारी सदन भी दे रहे हैं, हर पंचायत को एक दे रहे हैं, हर पंचायत को, और 29 लाख का बनेगा, 29 लाख का, 29 लाख का हर पंचायत में बनेगा, लेकिन 21 साल सब तो नहीं बनेगा, अभी एक एक विधायक को 8-8 दिए हैं और सांसद को भी दिए हैं, सांसद को भी दिए हैं, लेकिन एक सांसद का कितना विधानसभा है, 8-8 है, तो उनको भी 8 दिए हैं, तो उधर से एक ही मिलेगा एक विधानसभा को, तो जगदलपुर विधानसभा को 9 तो मिल ही जाएगा एक साल में, है ना, 8 इनका मिल जाएगा विधायक जी का, एक सांसद जी का मिल जाएगा, तो 9 हो जाएगा, तो 5 साल में कितना हो जाएगा, 45 घर दे देंगे 5 साल में, फिर अगर बजट ज्यादा आएगा तो फिर बढ़ाएंगे, अभी 8-8 दिए हैं, तो हो सकता है यहां की वित्तीय स्थिति सुधरे तो और ज्यादा भी दे सकते हैं, और वित्तीय स्थिति भी हम लोग बिल्कुल सुधारेंगे। छत्तीसगढ़ एक बहुत डेवलप तो नहीं, रिच स्टेट है, कहे कि यहां खनिज संपदा भरपूर है, लोहा है, कोयला है, सोना है, डायमंड है, आपका और भी कई तरह का बॉक्साइड है, ये सब है, प्रचुर मात्रा में भगवान यहां मतलब मिनरल्स दिया है, खनिज संपदा दिया है, तो उसका भी हम लोग अच्छा से रिफॉर्म ला रहे हैं खनिज में, तो इसमें भी हम लोग का राजस्व बढ़ेगा। यहां वनोपज खूब है, 100 तरह से भी ज्यादा यहां पर वनोपज है, आपके यहां पर इमली खूब है, हम लोग की तरफ उधर महुआ है, तो इस सब का भी कैसे वैल्यू एडिशन हो, इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। अब जसपुर में महुआ बहुत है, तो ऐसे तो कीमत 100 रुपया से ज्यादा कभी नहीं गया, 100 रुपया के अंदर अंदर ही किलो में था, लेकिन आज वहां की हमारी माताएं बहनें हेल्थ ग्रुप की जो हैं वो लड्डू बना रहे हैं, महुआ से लड्डू, महुआ का कैंडी, महुआ का अचार, आज 300-400 रुपया किलो बिक रहा है, जस्ट प्योर के नाम से, अच्छा उसका पैकिंग और एक्सपोर्ट भी हो रहा है। तो ये सब करेंगे पूरे मतलब प्रदेश में, जो भी वनोपज है उसका वैल्यू एडिशन करेंगे, और कृषि के क्षेत्र में भी क्योंकि यहां की मिट्टी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, किसान बहुत मेहनती हैं, तो सबके सहयोग से हम लोगों को विकसित छत्तीसगढ़ बनाना है, विकसित छत्तीसगढ़। आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है, ये 10 साल में आर्थिक क्षेत्र में इस देश को 11वें स्थान से 5वें स्थान में ले आए अथक परिश्रम के बाद, और आने वाला 5 साल में तीसरे स्थान पर खड़ा करने वाले हैं, पूरे दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा आर्थिक ताकत बनाने वाले हैं, ये संकल्प है आने वाला 2029 तक हमारे प्रधानमंत्री जी का, और 2047 तक विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का उनका संकल्प है इस देश को। तो हम लोग भी विकसित छत्तीसगढ़ बना के देंगे तभी तो होगा ना, और इसके लिए हम लोग एक विजन डॉक्यूमेंट बना रहे हैं,
और सभी वर्गों के साथ बैठक लगातार चल रहा है, सबका राय शुमारी कर रहे हैं, किसानों के साथ भी बैठ रहे हैं, महिलाओं के साथ भी बैठ रहे हैं, युवाओं के साथ भी बैठ रहे हैं, कर्मचारियों के साथ भी बैठ रहे हैं, व्यापारियों के साथ भी बैठ रहे हैं, लगातार ये बैठकें चल रहा है। और 1 नवंबर को जो स्थापना दिवस होगा प्रदेश का, उस दिन हम लोग पूरा विजन डॉक्यूमेंट विकसित छत्तीसगढ़ का इसको प्रदेश की जनता को समर्पित करेंगे। और अभी हम लोग का नीति आयोग का बैठक हुआ था दिल्ली में, हम पूरी तरह से आश्वस्त करके आए हैं प्रधानमंत्री जी को कि हम लोग आने वाले 5 साल में जो हमारा छत्तीसगढ़ का GSDP है, मतलब 5 लाख करोड़ का भी है, इसको आने वाले 5 साल में इसका जस्ट डबल 10 लाख करोड़ करेंगे। तो ये सब सबके सहयोग से होगा, सबके सहयोग से होगा। तो ये सब हम लोग करने वाले हैं। और अंत में एक पेड़ मां के नाम, हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत ही आग्रह है देशवासियों के साथ, सबसे आह्वान किया है कि सभी 140 करोड़ भारतवासी अपनी अपनी मां के नाम से एक एक पेड़ जरूर लगाएं। आज जिस तरह से पेड़ कट रहा है और उसके कारण गर्मी बढ़ रही है, इस साल गर्मी के कारण देश में भी और दुनिया में सैकड़ों हजारों लोगों की मौत हुई है, आज वर्षा पानी का भी ठिकाना नहीं है, ये सब काहे हो रहा है, वृक्ष कटने से आज पर्यावरण दूषित हो रहा है। और इसलिए एक पेड़ मां के नाम इसका आह्वान हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। और हम समझते हैं कि मां से कोई बड़ा है क्या, जन्म देने वाली मां से कोई बड़ा नहीं है, है ना। शास्त्रों में भी कहा है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मतलब जन्म देने वाली मां और मातृभूमि ये स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है कि नहीं। अब माता कितना दुख तकलीफ सहती है, 9 महीना गर्भधारण करती है, कितना प्रसव पीड़ा होता है, और बड़े नहीं होते तक कितना दुख तकलीफ, खुद भूखे रह के मतलब बच्चे को खिलाती है, बढ़ाती है, पढ़ाती लिखाती है। आज मेरा भी आप लोगों से आग्रह है कि सब प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर अमल करते हुए एक एक पेड़ अपनी मां के नाम से जरूर लगाएं, जहां भी जगह मिलता है, अपने आंगन में, अपने खेत में, खनिहाल में, और नहीं मिलता है जगह तो रोड के किनारे लगाइए, सार्वजनिक स्थल में लगाइए, लेकिन अपनी मां के नाम से एक पेड़ जरूर लगाइए। और अगर मां जीवित हैं तो उनको साथ रख के लगाइए, और मां जीवित नहीं है तो उनका फोटो रख के, उनका पूजा अर्चना, उनको तिलक चंदन अगरबत्ती दिया दिखा के पेड़ को लगाइए, और उस पेड़ को जीवित करने की भी जिम्मेदारी हो, है ना। नहीं तो पेड़ तो आज तक दुनिया में कितना लग गया कि नहीं, इतना पेड़ लग गया कि अटान नहीं होता अगर सब जिंदा होता तो, कि नहीं। लेकिन हम लोगों को जो भी पेड़ लगाएंगे, कम से कम एक पेड़ लगाइए, अधिक से अधिक कितनों पेड़ लगा सकते हैं, लेकिन 10 पेड़ लगाएंगे तो और अच्छी बात, जितना ज्यादा पेड़ लगाएंगे मां के नाम से उतना ही अच्छा है, लेकिन जो भी लगाएंगे उसको जिंदा करने की भी जिम्मेदारी आपकी होगी। तो अंत में मैं यही निवेदन करते हुए कि सभी, अभी मौसम भी बरसात का है, बारिश भी हो रही है, और हमारे केदार भैया, हाँ केदार भैया वन मंत्री हैं, तो प्लांट तैयार कर रहे हैं और अच्छा अच्छा पौधा लगा रहे हैं, पीपल लगा रहे हैं, बड़ लगा रहे हैं, हम तो ऐसा ऐसा पौधा से परिचित हुए, सीताफल रामफल जानते थे, लेकिन अब लक्ष्मण फल भी ले आए, हनुमान फल भी ले आए, है ना। एक दहीमन का पेड़ लगवा रहे हैं, दहीमन का पेड़ ऐसा है कि उसका अगर कितनों भी अगर नशापान किया है ना, वो पत्ती का रस उसको डलवा दीजिए, चबवा दीजिए, उसका नशा फट जाएगा। तो किरण जी बोल रहे थे बस्तर में इसकी ज्यादा आवश्यकता है, तो दहीमन का पेड़ भी जरूर लगवाएंगे, है ना। और अंत में आपके इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक किरण जी, एक जो पुराना ऑडिटोरियम जो पिछले 5 साल हम लोगों की जब सरकार थी डॉक्टर साहब की, उस समय बनना शुरू हुआ था, लेकिन वो अधूरा है, और आज शायद वो कंप्लीट रहता
तो 750 सीट कैपेसिटी है, तो यहाँ पर तो 250 का है। वो अगर तैयार रहता तो इससे भी ज्यादा संख्या में हमारी माताएं बहनें बैठ पाती, तो अधूरा है। मैं उसके पूर्णता के लिए 1 करोड़ रुपए की मैं घोषणा करता हूं। और आप लोग बरसात के बाद भी दूर दूर से हमारी माताएं बहनें यहां पर आज के इस कार्यक्रम को, इस महिला सम्मेलन को सफल बनाने के लिए आप सब लोग आए। आप सभी लोगों का हम लोग को मार्गदर्शन आशीर्वाद मिलता रहे। बाकी आप लोगों के विश्वास में हम लोग 100% खरा उतरने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। तो बता दें आपको मैतारी वंदन।